आज जो है आप लोगों को लेकर आए हैं इंग्लिश। इंग्लिश में रोज हर दिन जो बोले जाने वाले हैं उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो अच्छे तरह से आप लोग सीख पाइएगा, ठीक ना। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि किसके मीनिंग को कैसे बोलना है और क्या करना है और किस तरह प्रयोग करना है, ठीक ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं, जैसे रोज रोज दिनों इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक नंबर में लिखा गया मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ। अगर आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो यहाँ वीडियो से सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ आई एम फाइन। अगर इंग्लिश अगर याद ना रहे तो यहाँ हिंदी लिखा गया है, ठीक। हिंदी जब लिख दिए तो इसको ख्याल रखना है कि आई को आई पढ़ना है, एम को एम पढ़ना है और फाइन को यहाँ देखिए फाइन लिखा हुआ है, ठीक। हिंदी पढ़कर इधर अंग्रेजी सीख सकते हैं। दूसरा नंबर में लिखा गया आलसी मत बनो। क्या कह रहा है? आलसी मत बनो। तो आलसी अगर कोई व्यक्ति है तो वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है, तो व्यक्ति क्या करता है कि आलसी बनने में सुतले रह जाता है। इसके अगर कहता है कि आलसी हो नींद आराम पढ़ेंगे नहीं अभी, ठीक। तो उसको क्या कैसे बोलना है देखिए, यहाँ पे लिखा है डोंट बी लेजी। क्या लिखा है? डोंट बी लेजी। कैसे बोलना है? डोंट बी लेजी। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, डोंट बी लेजी लिखा हुआ है। इसके बाद तीन नंबर में मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो क्या है? लेट मी गो। क्या है? यहाँ पर हिंदी भी लिखा गया है, लेट मी गो लिखा हुआ है। उसके बाद चार नंबर में मुझे परेशान मत करो। कोई व्यक्ति अगर किसी को परेशान करता है तो क्या कहता है? मुझे परेशान मत करो। तो उसको अंग्रेजी में बोलना है, कैसे बोलना है अंग्रेजी में? डोंट डिस्टर्ब मी। क्या बोलना है? डोंट डिस्टर्ब मी बोलना है, समझ गई। उसके बाद जो है पांच नंबर में लिखा हुआ फिर मिलते हैं। क्या लिखा हुआ है? फिर मिलते हैं। इसको बोलेंगे सी यू, सी यू अगेन। क्या बोलना है? सी यू अगेन बोलना है। देखो सी यू अगेन लिखा हुआ है। उसके बाद छह नंबर में लिखा हुआ है बिल्कुल नहीं। क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलना है? नॉट एट ऑल। क्या बोलना है? नॉट एट ऑल। यहाँ हिंदी भी लिखा गया है नॉट एट ऑल। उसके बाद है सात नंबर में लिखा गया है क्या तुम बीमार हो। क्या तुम बीमार हो? अगर कोई कोई दोस्त के यहाँ जाएगा, कोई सहेली के यहाँ जाएगी, उसको बोलना है क्या तुम बीमार हो, तो पूछेगी ना, तो पूछना है क्या तुम बीमार हो, तो वो बोलेगा क्या, देखो कैसे बोलेगा, बोलना है आर यू। क्या बोलना है? आर यू इल, समझ गया, आर यू इल। उसके बाद जो है आठ में लिखा गया ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या बोलना है? नथिंग लाइक दैट, नथिंग। देखो यहाँ पे नथिंग लाइक दैट लिखा हुआ है। उसके बाद जो है नौ में मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोई किसी का बात नहीं सुनता है तो उसको बोलता है अंग्रेजी में कैसे बोलना है, तो क्या कह रहा है? मेरी बात सुनो। तो क्या लिखा हुआ है? लिसन टू मी। तो यहाँ भी लिखा हुआ है लिसन टू मी लिखा हुआ है। उसके बाद जो है दस नंबर में लिखा गया मुझे कल याद दिलाना, मुझे कल याद दिलाना। किसके बारे में क्या पूछना है, किससे सवाल पूछना है, किससे क्या पूछना है, ठीक ना। इसी के बारे में कह रहा है मुझे कल याद दिलाना, किसी को याद दिलाने के परफेंस में इसको बोलना है कैसे, क्या बोलना है? रिमाइंड। क्या बोलना है? रिमाइंड मी टुमोरो, मतलब इसको कल याद दिलाना है, ठीक। उसके बाद जो है ग्यारह में लिखा है तुम इसे जानते हो, तुम इसे जानते हो, यू नो इट। यहाँ भी लिखा हुआ यू नो इट। बारह में लिखा गया है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपेन। क्या हुआ है? नथिंग विल हैपेन लिखा हुआ है। उसके बाद जो तेरह में लिखा गया है क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या चल रहा है, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कैसे बोलना है? व्हाट्स। उसके बाद गोइंग, उसके बाद वन, यहाँ देखो वन, उसके बाद गोइंग वन लिखा गया है। उसके बाद चौदह नंबर में आपको मालूम है, आपको मालूम है, तो क्या मालूम है? डू यू नो, याद रखना, यहाँ भी लिखा हुआ है डू यू नो। उसके बाद पंद्रह नंबर में बिस्तर सही करो, बिस्तर सही करो, मतलब इसको सोने के लिए जाना है तो उसको क्या करना है? बिस्तर सही करो। यहाँ पे क्या है? मेक द बेड, मेक द बेड। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें।